जिले के सिंघाना थाना अंतर्गत माकड़ो गांव की शमशान भूमि के पास हुई बैंक कर्मी से 2,50,000 रुपए की लूट का पुलिस ने मंगलवार को खुलासा कर दिया। मामले में लिप्त दो बाल अपचारी निरुद्ध व एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। थाने ने आरोपियों के कब्जे से 82,600 रुपये बरामद किए। जानकारी के अनुसार महानिरीक्षक पुलिस जयपुर रेंज हवा सिंह घुमरिया एवं पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी के निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र मीणा, डीएसपी ज्ञान सिंह चौधरी के नेतृत्व में गांव माकड़ों से 14 जून 2021 को IDFC बैंक के रिकवरी ऑफिसर के 2,51,720 रुपये से भरा बैग को अज्ञात व्यक्तियों द्वारा की गई लूट का 7 दिन में खुलासा कर दिया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र मीणा ने बताया कि 14 जून 2021 को IDFC बैंक के फील्ड ऑफिसर प्रकाश सैनी के साथ माकड़ो गांव में निकलते ही सुनसान जगह पर 3 अज्ञात युवकों काले रंग की बिना नंबर वाली मोटरसाइकिल से आए। मोटरसाइकिल को मेरी मोटरसाइकिल के आगे लगाकर मारपीट कर रुपयों से भरा बैग व मोटरसाइकिल की चाबी छीन के भाग गए, जिस पर पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी द्वारा एक विशेष टीम का गठन किया गया। टीम द्वारा CCTV फुटेज के एकत्रित किए जाकर अज्ञात मुलजिमानों को चिन्हित किया। तब जाकर आरोपी मनदीप पिंटू पुत्र लीलाराम भगत जाति गुज्जर निवासी देवता पुलिस थाना खेतड़ी नगर को गिरफ्तार किया गया तथा उसके पास से 82,800 रुपये बरामद किए। साथ ही पुलिस ने दो नाबालिगों को निरुद्ध किया गया। वारदात का मुख्य आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। 14 जून को श्री प्रकाश सैनी ने मुकदमा दर्ज कराया था कि वो बैंक से पैसे लेकर निकल रहा था। उसी दरमियान चार लड़कों ने उसको बाइक को टक्कर मार के रोका और उससे पैसे छीन लिए और चाबी भी ले गए और जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद में घटना के बाद में करीबन 2 घंटे बाद में परिवादी ने सूचना दी थी। उस वक्त तो परिवादी ने जो सूचना देने में देरी की, उसके कारण से आरोपी वहां से भाग गए थे। नाकाबंदी में भी पकड़ में नहीं आए, लेकिन मुखबिर की सूचना SM के प्रयासों से SHO और उसकी टीम ने मुख्य आरोपी अशोक देवता व अन्य मनदीप व दो उसके बालक अपचारियों को आइडेंटिफाई किया। आइडेंटिफाई करके और आज मनदीप और दो संघर्षरत बालकों का डिटेन किया है, जिनसे 80,000 से ज़्यादा की राशि बरामद भी की है। मुख्य आरोपी श्री अशोक जो है फरार है, लेकिन उनके ठिकानों पे दबिश दी जा रही है। एक दो दिन में हम उस भी गिरफ्तार कर लेंगे।